हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बताने वाले हैं। इस ट्रेन में यात्री को यात्रा के दौरान क्या क्या सुविधाएं मिलती है, ये पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रेन नंबर 19045 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में 5 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह में 10:10 पर गुजरात के सूरत से निकलती है, और ये ट्रेन अगले दिन शाम को 6:35 पर आपको छपरा जंक्शन पहुंचा देती है। ये ट्रेन टोटल 1731 किलोमीटर का सफ़र 32 घंटे 25 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। बात करें स्पीड की, तो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 53 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेन टोटल 35 हॉल्ट्स पर रुकते हुए छपरा तक जाती है, और इस ट्रेन में LHB कोचेस लगे हुए हैं। बात करें कोच कॉम्पोजिशन की, तो इस ट्रेन में 3 जनरल क्लास के कोचेज़ हैं, 8 स्लीपर क्लास के कोचेज़ हैं, 6 थर्ड AC के कोच हैं और 2 सेकेंड AC के कोच हैं। और इस ट्रेन में पेंट्री कार के भी सर्विसेज अवेलेबल है, तो यात्रा के दौरान आपको खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप पेंट्री कार से खाना खरीद के खा सकते हैं। तो बात करें किराए की दोस्तों, तो स्लीपर क्लास का किराया है 685 रुपये, थर्ड AC का किराया है 1830 रुपये और सेकेंड AC का किराया 2655 रुपये। ये जो हमने किराया बताया है आपको स्टार्ट से एंड तक का है, यानी कि सूरत से लेके छपरा तक का। और इस ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए आप इसका टिकट IRCTC के मोबाइल, IRCTC का मोबाइल ऐप या फिर स्टेशन पर जाकर टिकट विंडो काउंटर से खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं जब आप ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो यात्रा के दौरान आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। जब आप इस ट्रेन के स्लीपर क्लास कोच में ट्रैवल करेंगे तो इसमें आपको मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक साइड टेबल है जहाँ पर आप अपना खाना रख के खा सकते हैं, आपके कैबिन में मिरर रहेगा, लोअर सीट साइड लोअर सीट के नीचे आप अपना लगेज रख सकते हैं, हर कैबिन में फ़ैन दिए गए हैं और इसके जो विंडोज़ हैं वो ओपन है और उससे ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, और हर स्लीपर क्लास कोच में टोटल 4 वॉशरूम दिए गए हैं। वहीं पे दोस्तों बात करें, जब ये आप AC कोचेस में ट्रैवल करेंगे तो इसमें आपको यात्रा के दौरान कंबल, चादर, बेडशीट और तकिया मिलेगा, इसके कैबिन में मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, एक साइड टेबल है, लोअर सीट साइड लोअर सीट के नीचे आप अपना लगेज रख सकते हैं, सीट के ऊपर रीडिंग लाइट्स लगे हुए रहते हैं जिसको ऑन करके आप बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आपके कैबिन में मिरर दिया गया है और जो इसका विंडोज़ रहते हैं वो बड़े रहते हैं और उस पर कर्टन्स भी लगे रहते हैं, और हर AC कोचेस में कोच अटेंडेंट रहते हैं जो कि यात्रा के दौरान आपकी हर प्रकार की सहायता करते हैं, और हर AC कोच में टोटल 4 वॉशरूम्स दिए गए हैं। बात करें साफ सफाई की, स्लीपर क्लास हो या फिर AC कोचेस हो, जो क्लीनिंग स्टाफ है रेगुलर इंटरवल्स पे आपके कोचेस की साफ सफाई किया करते हैं, और अगर यात्रा के दौरान कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप रेल मदद ऐप पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस ट्रेन के शेड्यूल के बारे में बता देते हैं, आप कहां कहां से इस ट्रेन को बोर्ड और डीबोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेन नंबर 19045 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में 5 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह में 10:10 पर सूरत से निकलती है। उसके बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है उधाना जंक्शन, जो कि सुबह में 10:19 पर पहुँचती है। उसके बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप है व्यारा, उसके बाद नवापुर, जो कि सुबह में 11:34 पहुँचती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। इसके बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है नंदुरबार, जो कि 12:35 पहुँचती है, यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। फिर ये ट्रेन डोंडईचा में रुकती है दोपहर में 1:02 पर, और 2 मिनट का हॉल्ट है। इसके बाद ये ट्रेन अमालनेर में रुकती है दोपहर के 2:03 पर, और यहाँ पे इसका 3 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से निकलने के बाद ये ट्रेन जलगांव में रुकती है दोपहर के 3:10 पर, और यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। फिर इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है भुसावल जंक्शन, जो कि 3:40 पर पहुँचेगी दोपहर में, और यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। फिर ये ट्रेन रावेर, बुरहानपुर, खंडवा में शाम को 5:47 पहुँच गई, यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से निकलने के बाद ये ट्रेन हरदा में रुकेगी, फिर इटारसी जंक्शन में रात को 8:20 पहुँचेगी और 10 मिनट रुकेगी। फिर इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है पिपरिया, फिर जबलपुर में रात को 12:10 पर पहुँचेगी और 10 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से निकलने के बाद ये ट्रेन कटनी में रुकेगी 1:45, फिर सतना में 3:25 पर रुकेगी, फिर मानिकपुर में ये ट्रेन सुबह में 4:48 पर पहुँचेगी, 2 मिनट रुकेगी। फिर ये ट्रेन
शंकरगढ़ में रुकेगी 5:49 पे सुबह में और 1 मिनट का हॉल्ट है। फिर इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है प्रयागराज छिओंकी, जो कि सुबह में 6:35 पे पहुंचेगी और ये 5 मिनट रुकेगी। फिर इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है विंध्याचल, सुबह में 7:33 पे। फिर ये रुकेगी मिर्ज़ापुर में 7:45 सुबह में और 5 मिनट का हॉल्ट है। फिर ये ट्रेन चुनार में रुकेगी। फिर सुबह में 10:22 पे ये ट्रेन पहुंचेगी काशी और यहाँ पे इस ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है। काशी से निकलने के बाद ये ट्रेन वाराणसी जंक्शन में सुबह में 10:40 पे पहुंचेगी और 10 मिनट रुकेगी। फिर इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है जौनपुर जंक्शन, जो कि सुबह में 11:48 पे पहुंचती है और 2 मिनट रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन शाहगंज जंक्शन में रुकेगी दोपहर के 1 बजे। फिर इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है आजमगढ़, जो कि 1:55 पे पहुंचेगी और 5 मिनट रुकेगी। फिर मोहम्मदाबाद में दोपहर में 2:17 पे पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट है। फिर इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है मऊ जंक्शन, 3:00 शाम दोपहर में पहुंचेगी। फिर रसरा में ये ट्रेन 3:23 पे पहुंचेगी। उसके बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है बलिया, जो कि शाम को 4:05 पे पहुंचेगी और 5 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है सुरमैनपुर, जो कि 4:48 पे पहुंचेगी और इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। सुरमैनपुर से निकलने के बाद इस ट्रेन का डायरेक्ट हॉल्ट है छपरा, जो कि शाम को 6:35 पे आपको पहुंचा देगी। ये ट्रेन टोटल 1731 किलोमीटर का सफ़र 32 घंटे 25 मिनट में कम्प्लीट कर लेती है। दोस्तों इस ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए आप इसका टिकट एडवांस में बुक करवा लें, क्योंकि इसका टिकट जल्दी मिलता नहीं है, हमेशा फुल चलती है ये ट्रेन। तो चलिए दोस्तों इस ट्रेन के हम आपको रिटर्न जर्नी के बारे में बता देते हैं, अगर आपको रिटर्न आना हो तो कब आप इस ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों ट्रेन नंबर 19046 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते के 5 दिन मंगलवार बुधवार शुक्रवार शनिवार और रविवार को सुबह में 9 बजे छपरा से निकलती है और ये ट्रेन अगले दिन शाम को 4:05 पे आपको सूरत पहुंचा देती है। ये ट्रेन टोटल 1731 किलोमीटर का सफ़र 31 घंटे 5 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन की। क्या आपने कभी इस ट्रेन से ट्रैवल किया है और अगर किया है तो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।